नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शुक्र राशि से संबंधित जानकारी दूंगा। आज 13/7 से शुक्र बक्री हो रहे हैं और शनि बक्री हो चुके हैं। शुक्र और शनि की दृष्टियां कैसी रहेंगी राशियों पारे राशियों के ऊपर, जिनमें से आज 9 राशियों की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पारे राशियों से संबंधित जानकारी बताऊंगा, 9 शुभ राशि और 3 जिन पर अशुभ दृष्टि है शुक्र की। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 13 तारीख को शुक्र बकरी अवस्था में जा रहे हैं और शुक्र की बकरी अवस्था कौन कौन सी राशि को लाभ पहुंचाएगी, कौन कौन सी राशि को जो है हानि पहुंचाएगी, कौन कौन सी राशि के पुत्र के योग बनेंगे, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों शुक्र का जो है रजोगुणी तत्व है और शुक्र अगर शुभ हो तो इंसान को पुत्र की प्राप्ति, पारिवारिक सुख, प्रेम विवाह, व्यापार संबंधित लाभ, हर क्षेत्र में जो है कामयाबी मिलती है। सबसे बड़ा जो दायित्व होता है शुक्र का वो होता है ग्रस्त जीवन का, ग्रस्त जीवन राजसी सुखों का, आपके जो है आमदन क्षेत्र का भी जो है बड़ा सहयोग होता है शुक्र का। और साथ में शनि, शनि भी बकरी चल रहे हैं, अगर शनि जिसके लिए सो हो उसके जो जिंदगी में मंगल ही मंगल होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वाहन आदि से संबंधित हो, लोह आदि से संबंधित हो, प्रत्येक कार्य में लेबर मजदूर आदि प्रत्येक कार्य में जो है शनि सहयोग देते हैं। तो आज मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं शुक्र की बकरी चाल। दोस्तों शुक्र राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 अगर और 12 अगर इन स्थानों पर शुक्र हो अपनी राशि से तो इंसान को पुत्र लाभ, व्यापारिक संबंधित, ग्रस्त संबंधित सुख या नए अवसर का जो है योग बनाता है, यानी अच्छे अवसर जो उन्नति के अवसर होते हैं योग बनाता है। अपनी राशि से जैसे किसी की मेष राशि है और मेष राशि से द्वितीय स्थान पर अगर शुक्र होता है तो बहुत शुभ माना जाता है, तृतीय स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर यानी अपनी राशि से, अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर, ग्यारहवें स्थान पर, बारहवें स्थान पर, तो इन राशियों से अगर दूरी तय करता है शुक्र तो उन राशि वालों का भाग्योदय होता है। अब शुक्र का सीधा सीधा प्रभाव जो है वृषभ राशि पर है, वृषभ राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, ये जो राशियां हैं इन पर सीधा सीधा इफेक्ट है इनका जो है। शुक्र के द्वारा इन राशियों को लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे शुक्र उल्टी चाल में है लेकिन उल्टी चाल में होते हुए भी इन राशि वालों को सहयोग देंगे। आप कि अगर मेष राशि है तो आपको शुक्र जो है लाभांत करेंगे, लेकिन आपको कुछ कार्य भी करने जो मैं आपको बताऊंगा। आपकी मेष राशि है, आपकी वृष राशि है, आपकी मिथुन राशि है, कर्क राशि है, आपकी कन्या राशि है, आपकी तुला राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है या कुंभ राशि है, ये 9 राशि जिनकी है उनको शुक्र के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। उनको पुत्र के योग बनेंगे, धन के योग बनेंगे, उनके व्यापारिक योग बनेंगे। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि सिंह राशि, वृश्चिक राशि और आपका जो है मकर राशि, इन राशियों पर थोड़ा सा इफेक्ट इनका उल्टा रहेगा, इन राशियों को सावधानी बरतनी है। दोस्तों आप शुक्रवार के दिन माता दुर्गा की पूजा करें या संतोषी माता की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान जी के चोले प्रारंभ कर दें, आप शनिदेव की पूजा प्रारंभ कर दें,
शनि देव को सात चीजों से आप जो है पूजा करें। आप शनि देव को काले तिल, काला कपड़ा, लोह, तेल, काजल, उड़द और गुड़, इन सात चीजों से शनि देव को प्रसन्न करें। शनि देव मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे इस टाइम असर डाल रहे हैं और नौ राशि जो मैंने बताई है इन पर भी शनि का पूरा प्रभाव है, तो शनि इनको भी लाभान्वित करेंगे। लेकिन शनि की भी वक्री दृष्टि है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि ग्रहण की कितनी भी अशुभ दृष्टि हो, कितनी भी बड़ी अशुभ दृष्टि हो, मन में किसी प्रकार की संशय न रखें कि यार इसकी तो अशुभ दृष्टि है शुक्र की या शनि की, अभी हमारी हानि करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ग्रहण का उल्टा प्रभाव जरूर आएगा, लेकिन कर्म बाद कारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यानी इंसान अगर कर्म करता है तो उसके भाग्य को वो स्वयं तय करता है, अपना भाग्य स्वयं लिखता है। तो इसलिए आप इस संशय में बिल्कुल ना आएं और आप शनि देव की, शिव जी की ये पूजा आप जरूर करें। शनि देव की, शिव जी की, शनि देव, शिव जी और हनुमान जी, इन तीनों को प्रसन्न कर लें आप, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें। ये नौ राशि वाले चमेली के तेल में आप सिंदूर मिलाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं या शुद्ध घी का जलाएं, उसमें दो लौंग डाल दें, वहीं खड़े होकर के आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दें। ये राशि स्त्री और पुरुष दोनों की है, स्त्री लिंग पुरुष लिंग, यानी स्त्री पुरुष दोनों का प्रभाव ऐसा ही रहेगा। कुछ पारिवारिक आपका सहयोग मिलेगा, कुछ चीजों में आपको लाभ मिलेगा तो कुछ चीजों में आपको हानि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ ही लाभ मिलता चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नाम राशि से अगर आपकी कुंडली में ग्रह शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो और ज्यादा फल अच्छा मिलेगा, अगर शुक्र दुखित अवस्था में हुआ या नीच अवस्था में हुआ तो आपको इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही शुक्र की आपकी कुंडली पर भी आधारित होता है। तो आप सबसे पहले करें कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा कष्ट आ गया, आप समझ लीजिए आपके ऊपर ग्रहण की अशुभ दृष्टि है, प्रत्येक कार्य में आपको रुकावट हो रही है, तो आप अपना कार्य करें, अपना कर्म करें, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके नए अवसर प्राप्त होंगे, नए दोस्तों से मुलाकात होगी, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके व्यापार में जो पहले समय था उससे अब विपरीत समय आएगा, यानी पहले जो चाहे आपको कितना ही लाभ होता था, हानि होती थी, अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। आप के नए रास्ते खुलेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, आप विदेश यात्रा के योग बनने शुरू हो जाएंगे, अभी तक नहीं थे। अब ये जून के बाद से ज्यादा भाग्य खुलेगा और आपके जो है संतान की प्राप्ति होगी। संतान के लिए आपको जो है जून का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना बेस्ट है आपके लिए, नौ राशि वालों के लिए। तो आप जो है हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें, बजरंग बाण का पाठ करें, शनिवार को शनिदेव को अभिषेक करें, शनिदेव के किसी भी मंत्र का आप पाठ करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, ये सादा मंत्र है, ये सबसे प्रभावशाली मंत्र है। और हनुमान जी के ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सकामन देवाय रोग शोक राय श्री राम दूताय नमः, यानी हनुमान जी हमारे सभी रोगों को, शोकों को, दुखों को, दुखों का नाश करें, हमें पुत्र सुख समृद्धि प्रदान करें। इस मंत्र का आप जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप ये पूजा शुरू कर दें और किसी प्रकार की कोई टेंशन है, अब आपका समय नौ राशि वालों का अच्छा शुरू हो चुका है। आपको संता, थोड़ी सी परेशानी तो प्रत्येक इंसान को आती है, लेकिन आप अपना जो संकल्प शक्ति है उसे मजबूत करें और आगे बढ़े। ग्रहण की दशा चलती रहती है, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा रखें, किसी की बारे में कोई गलत विचार ना रखें, क्योंकि शनि का प्रभाव है कर्म फलदाता है। एक चीज का ध्यान रखें, जितना हो सके दूसरों का लाभ दें, दूसरों की सहायता करें, अगर हो सके तो अन्नदान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना जो है आप दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप वीरवार के दिन मीठे चावल बना करके पी ले, बांटे गरीबों में, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप मच्छियों के लिए आटे की गोली बना के डालें, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी चीजें आप करते रहें जिससे ग्रहण से न डरें,
आप सिर्फ अपना अच्छा कर्म करते रहे, ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपको उल्टा लाभ ही देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। जय श्री।